ये मूवी और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और टीवी सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है, मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 800 रुपए में एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अब आप पा सकते हैं नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 250 रुपए में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे वीडियो को देखिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कॉन्टेक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। रैटलस्नेक ये एक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है जैक हिल्डिच ने, जिन्होंने नेटफ्लिक्स के लिए ही मूवी 1922 बनाई थी जो कि काफी चाल चलन में थी, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं कभी देख नहीं पाया। तो अगर आपने इस मूवी को देखा है तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वो मूवी कैसी लगी। रैटलस्नेक रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया पे नेटफ्लिक्स पर 25 अक्टूबर 2019 को और ये रिलीज हुई इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेजेस में। हिंदी डबिंग की बात करें तो डबिंग बहुत अच्छी की गई है, लीड एक्ट्रेस की जो आवाज है हिंदी आवाज जो है वो उन पर परफेक्ट सूट कर रही थी। वैसे ही इस मूवी का ऑफिशियल हिंदी डब्ड ट्रेलर भी आ चुका है जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके हमारे ऑफिशियल फीड ट्रेलर चैनल पर देख सकते हैं, जहाँ पर हम सभी लेटेस्ट हॉलीवुड मूवीज के ऑफिशियल हिंदी डब्ड ट्रेलर्स डालते हैं, तो उस चैनल को और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टोरी फॉलो करती है कतरीना नाम की एक सिंगल मॉम पर जो कि अपनी बेटी को गाड़ी से अपनी माँ के घर ले जाती होती है। रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से ये एक सुनसान रास्ते का शॉर्टकट ले लेती है, मगर तभी रास्ते में इनकी गाड़ी का पहिया फट जाता है जिसे रिप्लेस करते वक्त इनकी बेटी को सांप यानी कि रैटलस्नेक डस लेता है। अब क्योंकि दूर दूर तक कोई नहीं है और इनकी गाड़ी भी खराब है तो अब ये कैसे अपनी बेटी को बचाएंगी। मगर शॉकिंगली तभी अचानक से पास ही में एक ट्रेलर व्हीकल पार्क्ड होती है, ये पता नहीं कहां से आ जाती है, जिसमें कतरीना को एक अनजान औरत मिलती है जो इनकी मदद करती है। बाद में कतरीना की बेटी बच तो जाती है, मगर तब कतरीना को एहसास होता है कि इनकी बेटी की जान जो बची है इसके बदले इनको किसी और की जान लेनी पड़ेगी वरना इनकी बेटी मर जाएगी, क्योंकि शायद से इनकी बेटी को किसी तरीके के पावर ने बचाया है जो कि जान बचाने के बदले अब किसी और की जान चाहता है। तो क्या अब कतरीना किसी और की जान लेंगी, अगर लेंगी तो किसकी, और ये अनजान सी पावर है क्या, चाहती क्या है और इसका मकसद क्या है, कुछ इसी स्टोरी को एक्सप्लोर करती है ये नेटफ्लिक्स की मूवी जिसका नाम है रैटलस्नेक। हमें आदत हो गई है ऐसी मूवी देखने की जहां पर हमें ऐसा उम्मीद होता है कि ये मूवी भले ही स्टार्टिंग में बोर है मगर एंड में कुछ ना कुछ ऐसी एंडिंग दिखाएगी जो कि हमें पूरा ट्विस्ट करके रख देगी। और इस मूवी को देखते वक्त भी मैं हर एक डिटेल को नोटिस कर रहा था ताकि मैं कोई भी डिटेल मिस ना करूं, ताकि जब एंडिंग इसकी ट्विस्टिंग हो तो हर एक चीज का मैं सेंस बना सकूं। मगर जब ये मूवी खत्म होती है तो आपको एहसास होता है कि ये मूवी आपको एक सबक सिखाती है कि भैया जरूरी नहीं है कि आपको हर एक मूवी में आपके दिमाग के तोते लड़ाने हो, कभी कभी कोई मूवी बहुत सिंपल भी हो सकती है, उसे देखो समझ जाओ आसानी से और भूल जाओ। हर एक मूवी नेटफ्लिक्स की बाकी मूवीज की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। फ्रेंकली स्पीकिंग ये बेसिकली ट्रेडिशनल मूवी थी जहां पर सिंपल चीजें सिंपल तरीके से दिखाकर सिंपली आपको समझा दिया जाता है। तो आखिरकार सवाल उठकर यह आता है कि क्या इस तरीके की ट्रेडिशनल मूवी देखने लायक है, जवाब है ना, क्योंकि पहली बार तो अब हमें आदत हो गई है ट्विस्टिंग एंडिंग कुछ ऐसा देखने की जिससे मूवी देखने का कोई सेंस बने, ऐसा नहीं कि बस ये ऐसा होता है ये ऐसा होता है ये हो गया दैट्स इट मूवी खत्म, इसमें मजा नहीं आया। जब तक कि ये ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, मैंने ये ऐसा एक्सपेक्ट किया था लेकिन ये तो ऐसा हो गया, दैट्स व्हाट वी लाइक। एंड अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें ये मूवी नहीं दे पाती। ये मूवी सिंपल वर्ड्स में कहूं तो किसी ने इनकी बेटी की जान बचाई है, अब उस जान बचाने के बदले वो किसी और की जान चाहती है, ये वो कर दे दैट्स इट मूवी खत्म। मतलब इसके आगे हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला कि इस पावर को शायद से कुछ और चाहिए था, या एंडिंग में कुछ ऐसा हो जाए कि करने ये गई थी हो वो गया, वो भी ऐसा कुछ नहीं होता मूवी में। ओवरऑल स्टोरी इस मूवी की आपको डेफिनेटली डिसअपॉइंट करेगी। मूवी की एक या दो चीजें आपको पसंद आएगी, पहला तो मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक और दूसरा मूवी के शूटिंग लोकेशंस जो कि काफी अच्छे और काफी डिसेंट है, मगर अनफॉर्चुनेटली बैकग्राउंड म्यूजिक और शूटिंग लोकेशंस आपकी मूवी को बचा नहीं पाएंगे। बट इस मूवी में एक और चीज है जो कि इम्पोर्टेंट है और वो है रैटलस्नेक। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही वो बंदा होता है जिसकी ऊपर ये पूरी मूवी बन चुकी है। आई मीन लाइक इस बंदे को अगर आप निकाल दो तो मूवी में कुछ रह ही नहीं जाएगा, रैटलस्नेक की वजह से सब पछड़े चालू होते हैं और रैटलस्नेक ही एक ऑप्शन दे देता है इस पचड़े से बाहर निकलने का। शॉकिंगली अभी मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा आपको, बट ये रैटलस्नेक एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट है मूवी का और मेरे ख्याल से इसीलिए ये जस्टिफाइड होता है कि इस मूवी का नाम रैटलस्नेक क्यों है। लीड कैरेक्टर कतरीना का किरदार निभाने वाली कार्मेन इचोचो ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, नो डाउट देयर।
बट स्टोरी कमजोर होने की वजह से इनकी कैरेक्टर भी मूवी को बचा नहीं पाती। मूवी में एक सीन है जहां पर कतरीना जब इस लोकेशन के बारे में पता लगाती है कि आखिरकार मैं अकेली हूं या इसके पहले भी ऐसी कुछ चीजें घटनाएं यहां पर हो चुकी हैं, तो उनको शॉकिंगली बहुत सारे शॉकिंग फैक्ट्स देखने को मिलते हैं, जानने को मिलते हैं। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि यार मूवी अब थोड़ी इंटरेस्टिंग टर्न ले रही है। ये बेसिकली मूवी का बीच का हिस्सा होता है जब हम ये सब देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा फाइंड आउट करेंगी शॉकिंगली, और जिसकी वजह से ये शायद से एक रास्ता निकालेंगी इस हादसे से बचने का। मगर अनफॉर्चुनेटली शायद से वो इसलिए दिखाया गया है कि यू नो व्हाट, बहुत सारे तुम्हारे जैसे लोग आए हैं, उनके साथ में ऐसा हो गया है, तुम्हारे साथ में भी ऐसी होगा, एंड देर इज नो वे आउट। आई मीन लाइक एक बार हमें ये दिखाने की कोशिश भी नहीं की गई कि इस लीड एक्ट्रेस ने उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए या कोई दूसरा ऑप्शन, बजाय इसके कि वो किसी को मारे ही, उसके अलावा उसने कभी ये नहीं सोचा या ये हमने देखा नहीं कि उसके अलावा उसने कोई दूसरा ऑप्शन चुना भी। तो ये भी एक प्लॉट में ट्विस्ट हो सकता था जहां पर हमें ये दिखाया जा सकता था कि यू नो व्हाट, कि वो डायरेक्टली मारने पे नहीं जा रही है, वो पहले एक ऑप्शन सोच रही है जहां पर इस चीज से बाहर निकला जा सके। सो ओवरऑल कहूं तो अगर इस मूवी की एंडिंग को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता तो शायद से इस मूवी की रेटिंग थोड़ी बढ़ सकती थी। मगर अनफॉर्चुनेटली इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 4.5 out of 10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की मूवी रैटल स्नेक का। आपको अगर हमारे ऐसे मूवी रिव्यूज, न्यूज, अपडेट्स, नेटफ्लिक्स ऑफर्स अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे। तू पिटेगी मेरे से हाँ।